हेलो गाइस, मैं आपका चाहता देव गुप्ता आपके इंडियन रोड एंगल चैनल पे। तो आपको बहुत आवाज़ आ रही होगी, बहुत शोर हो रहा होगा ट्रैफिक का, क्योंकि मैं कुर्ला से निकला था नेरुल के लिए। मुझे अपने बॉडी बिल्डिंग जो सर है उनके पास जाना था, तो मैं यहाँ पे आधे घंटे से पहुँच चुका हूँ, तो सोचा आपसे थोड़ा बातचीत कर लूँ। और ये देखिए, पहले ही बारिश में कैसा हाल हो चुका है, आपसे मैं शेयर करता हूँ, देखना जरूर। तो अभी चलते हैं, अभी थोड़ा बारिश कम हो चुका है। एंड कल जो आप देखोगे वीडियो, वो वापिस है, जो अभी मैं अपने गाड़ी में फिर से प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो आपको कल मैं बताऊंगा। सो लेट्स गो। चाहता देव गुप्ता आपके इंडियन रोड एंगल चैनल पे। आज ये है डे टू, कल तो बहुत बारिश थी और आज के दिन जो शायद मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, शायद बारिश ना हो वही मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ कांदीवली। पहले तो मैं बताता हूँ, इसके पहले जो आपने वीडियो देखा था जो 500 किलोमीटर पे मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था वो तो आपको दिखा चुका हूँ, पर इसके बाद मैंने 1 वीक और 200 किलोमीटर चलाया, अब और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो भी आपको बताता हूँ। फर्स्ट, पहला ये जो एक गियर है, ये शिफ्टिंग के टाइम है ना, बहुत जोर से आवाज़ कर रहा है, मीन्स खट खुट इतना जोर से आवाज़ कर रहा है, मीन्स ऐसा लग रहा है कि कोई पार्ट टूट चुका है। सेकेंड, अब अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ समझो, और मैं सिग्नल पे आ गया हूँ, तो मेरा गाड़ी है ना न्यूट्रल पे ही नहीं आ रहा है, पता नहीं ऐसा, मतलब गाड़ी बंद करना पड़ रहा है, फिर गाड़ी को ऑन करो, फिर उसको न्यूट्रल पे आ जाती है फर्स्ट गियर से, पर गाड़ी चलते हुए मैं फर्स्ट गियर से न्यूट्रल पे आ ही नहीं रही है। थर्ड, सो ब्रेकिंग जो है, ब्रेकिंग उसमें तो थोड़ा वॉइस आ रहा है, शायद ABS का है क्या वो ब्रेक है, वो पता नहीं किसका वॉइस है इसमें, वो प्रॉब्लम आ रहा है। बीच बीच में गाड़ी अपने आप बंद पड़ रही है, अपने आप चलाते चलाते अपने आप फर्स्ट गियर पे आती है, फिर बंद पड़ जाती है। एंड ये आ रहा है कि हीटिंग इशू इतना है ना इसमें, मैं बता दो कहाँ का हीटिंग इशू हो रहा है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, मीन्स पकड़ लो ये लेग्स है, इसके नीचे बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। एंड हाँ सर, एक और प्रॉब्लम है, जो वाइब्रेशन था मैंने सिर्फ इसका वाइब्रेशन बताया था पहले, एंड अभी बताता हूँ किधर किधर वाइब्रेशन हो रहा है। ये पूरा पार्ट वाइब्रेशन हो रहा है, और ये जो बैठे ना इधर, ये बहुत वाइब्रेट हो रहा है, एंड पूरा मतलब पकड़ लो कि पूरा बॉडी वाइब्रेट हो जाता है इससे। तो गाइस, मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ, मैं फ्राइडे गोरेगांव गया था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त आदित्य सातवा से उसका बाइक का डिलीवरी था, सोचो कौन सा बाइक, हाँ जी हाँ यही बाइक है 310 RR। सो मैं वहाँ पे जब गया था, उधर के ओनर ने मेरा वीडियो देखा हुआ था, उन्होंने बोला एक काम करिए सर, पहले तो मुझे अपना नंबर दिया है, तो जो कांदीवली के जो ओनर है उन्होंने बोला अपना बाइक लेके आप संडे आ जाइए, जो हमारा TVS सर्विस सेंटर है उनके पास जाइए और मुझे कॉल लगाना, आपका जो भी बाइक में इशू रहेगा, जितना भी इशू रहेगा, हम फुल ट्राई करेंगे आपका गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व करने का। सो अभी तक तो 700 किलोमीटर में कर चुका हूँ, शायद आज ही मैं सर्विस भी करा लूँगा, देखते हैं, क्योंकि मैं बहुत प्रॉब्लम, मुझे मज़ा नहीं आएगा गाड़ी में अभी तक, अभी इसके बाद फर्स्ट सर्विस के बाद देखते कितना प्रॉब्लम सॉल्व होएगा, सर्विस जो हो जाएगा उसके बाद ही मैं बता पाऊँगा 200-300 किलोमीटर चलाने के बाद कि कितना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कितना नहीं हुआ है। एंड अभी हो रहे हैं 12, एंड ये मेरी गाड़ी, आप शायद देख पा रहे हो कितना गंदा हो रहा है गाड़ी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी मैंने इसलिए गाड़ी नहीं धुलाया क्योंकि अभी कांदीवली जा रहा हूँ, वहाँ पे ही सब सर्विस कराऊँगा, वहाँ पे ही गाड़ी धुलवाऊँगा। जो गूगल मैप बता रही है, गूगल आंटी बता रही है, अभी यहाँ से 25 किलोमीटर से, एंड यहाँ से कुछ मुझे लग रहा है 1 hour, देखते हैं उधर पहुँचने के बाद, एंड अंदर हो सके तो मैं वीडियो निकालूंगा, क्योंकि मुझे ओनर ने स्ट्रिक्ट मना किया है, वीडियो प्लीज़ मत निकालना, एक बार प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद आपको जितना वीडियो निकालना निकाल सकते हो। सो गाइस, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद। ये बार बार क्या प्रॉब्लम निकाल रहा है 310 RR में, कभी ये प्रॉब्लम, कभी चेन का प्रॉब्लम, कभी ये नहीं हो रहा है, कभी वो नहीं हो रहा है। मैं इसलिए आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ क्योंकि जिसके पास जो 310 RR ओनर्स है वो भी कभी ना कभी आगे फेस भी कर सकते प्रॉब्लम। मैं तो 500 किलोमीटर में ही फेस कर रहा था, अभी 700 किलोमीटर हो चुका है, एंड आज मैं सर्विस सेंटर गया था कांदीवली के, मैंने बहुत सारा अपना प्रॉब्लम बताया उन लोग को, एंड उन लोग ने मोस्टली सॉल्व करके दे दिया है। सो इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें आपको शायद प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला मिल जाएगा। आप ये भी सोचते हो ये मोटर लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या करूँ, जो मेरे पास 4K कैमरा था Xiaomi का वो ख़राब हो चुका है, मैंने फिर से बनाने दिया था फिर से ख़राब हो गया है, इसलिए मैं सोचता हूँ आपके साथ कैसे बात कर सकूँ, कैसे आपके साथ कॉन्टैक्ट बनाऊँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसलिए अपना वीडियोज ही बना रहा हूँ। कभी बाद में जाऊँगा, आगे कभी हुआ तो मैं पक्का वापस से कैमरा लूँगा, और शायद मैं कुछ और भी लूँ आपके लिए, सरप्राइज होगा, अभी तो नहीं बताऊँगा। एंड हाँ, यहाँ पे अपन अपना वीडियो ख़त्म करते हैं, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस गाइस।